तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है हलवाई स्टाइल गुड़ वाले तोसे। ये देखिए बिल्कुल अंदर से स्वाट और पूरे खस्ता बनते हैं। ये देखिए हाथों से मैश कर दीजिए तो ये भुरसी हो जाते हैं। हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो चलो बनाते हैं खस्ता गुड़ वाले तोसे। एक डोंगा लिया है, इसमें हम 3 कप मैदा ऐड करेंगे, वजन में 500 ग्राम। अब इसको पूरी तरह सॉफ्ट कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। यहाँ हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, इसके बीच में थोड़ी जगह बनाते हैं। इसमें हम घी भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है, ये 1/2 चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। उसके बाद हम चम्मच का 1/3 हिस्सा इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। इससे ये होता है अच्छी तरह अंदर से खस्ता और पूरी जाली बनती है मीठा सोडा से। उसके बाद इसमें हम 1/2 कप घी ऐड करेंगे। घी इसमें हम वनस्पति भी डाल सकते हैं और हम शुद्ध घी भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 125 ग्राम घी हल्का सा गर्म करके इसमें ऐड किया और 1 कप फिर थोड़ा सा कम हमने पानी यूज़ किया है। और ये देखिए इस तरह हम सॉफ्ट मुलायम सा डो बना लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बेलने से अच्छी तरह बेल जाए इतना हम मुलायम रखते हैं। पानी हमारा 1 कप में 250 ml आता है, लेकिन इसमें हमने 225 ml पानी ऐड किया है और इस तरह हमने मुलायम सा डो बना के तैयार कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। इससे ये होता है थोड़ी देर में ये सेट हो जाता है। लिफाफे से कवर करोगे तो इसमें सिकरी नहीं आती है, सूखता नहीं है मैदा, पूरा मुलायम सा रहता है। तो इसको हमने 15 मिनट तक कवर करके रखा था। उसके बाद इसको हम दोबारा इस तरह गोल सी पेड़ी बना के फिर इसको हम बेलने से मोटे साइज के हम बेल के तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये हमने पेड़ी पहले बना लिया, हम 1 ही पेड़ी बना लिए हैं। और ये हमारा जो फट्टा है ये थोड़ा बड़ा साइज का है, इस पर आप बड़ी साइज की पेड़ी बना के बेल सकते हो। तो यहाँ हमने 1 ही पेड़ी बनाया और इसको हम बेलने से बेल देंगे। अब शक्करपारे के लिए हमें थोड़ा सा मोटा रखना पड़ता है, इतना नहीं पतला करना पड़ता है, इसकी पतली सीट नहीं बनानी पड़ती है, इसको थोड़ा मोटा रखना पड़ता है। हम आपको दिखाते हैं कितना मोटा चाहिए, उतना मोटा हमें रख के फिर शक्करपारे काटने होते हैं। शक्करपारे भी कह सकते हो, कहीं कहीं इसको खुरमा भी कहा जाता है, गुड़ वाले खुरमे कहे जाते हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग नाम से इसको कहे जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने बेल दिया बिल्कुल रोटी की तरह, लेकिन रोटी से ये मोटी है। ये देखिए इतनी मोटी होती है शक्करपारे काटने के लिए। तो इसको हम एक तरफ से काटते जाएंगे पतले पतले साइज में, फिर हम दूसरी तरफ से किस साइज के बनाने हैं उस तरह हम काट देते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से हमने कट कर दिया, अब दूसरी तरफ से हम थोड़े बड़े बड़े साइज के लंबे आकार के कट मार देंगे। ये देखिए तो गुड़ वाले तोसे ज़्यादातर लंबे आकार के होते हैं, वैसे आप चौरस भी बना सकते हो, इसको गोल टोके जैसा भी बना सकते हो, लेकिन हमने लंबे आकार के कटे। जो साइड में छोटा साइज होता है उसको हमने उठा के अलग निकाल दिया, उसको हम दोबारा बेल के फिर कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम पीसेज अलग अलग भी कर देते हैं, इस तरह हम शक्करपारे कट के तैयार कर लेंगे। ये सारा हम पीसेज अलग अलग करके फिर हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम पलट देंगे और इसको हम अलग अलग कर देंगे। अब हमारा ये शक्करपारे कट के तैयार है, जिसकी साइडें में छोटा साइज का जो था वो हमने उठा लिया है, उसके बाद में हम छोटी पेड़ी बना के दोबारा कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारा शक्करपारे कट के तैयार है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं जो छोटी सी पेड़ी होती है उसको हम ये देखिए इस तरह छोटी साइज में बेल के और इसको कट कर दिया। ये जो थोड़ा मैदा साइडों से छोटा छोटा साइज का था वो भी हमने कट कर दिया। अब यहाँ देखिए घी हमने गरम करने के लिए रखा, जब हल्का सा मीडियम सेक पे ये गरम हो जाता है, ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए, जब हल्का सा घी गरम हो जाता है तब अपना बैच इसमें डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए, अगर ज़्यादा गरम हो जाएगा तो ये हमारे शक्करपारे अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरह जब ये घी थोड़ा सा गर्म होता है तो अपना बैच डाल देते हैं, ये धीरे धीरे फूल फूल के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह ये अंदर से पूरे सॉफ्ट बन जाते हैं, पूरी अच्छी तरह फूल जाते हैं, पूरी अंदर जाली बन जाती है। तब हम थोड़ा सेक बढ़ा लेते हैं और इसको मीडियम सेक पे धीरे धीरे करके हम फ्राई करते रहते हैं और इतना देर तक फ्राई करते हैं जिससे अंदर की पूरी जालियां पक जाती हैं
और हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तब हमारे ये शकरपारे पूरी फ्राई होके तैयार होते हैं। तो इसको फ्राई करते कम से कम हमें 20 मिनट लग जाता है। 20 मिनट इसको हम मीडियम सेकते फ्राई करते हैं, जिससे ये पूरे मैदा अंदर से पूरा पक जाता है, तब हमारे गुड़ वाले शकरपारे पूरे टेस्टी बनते हैं। ऐसा नहीं करना होता है कि हम ज़्यादा सेक करके तुरंत फ्राई करके निकाल दें तो ये कच्चा रह जाता है और इसके अंदर हमारी गुड़ वाली चाशनी भी नहीं जाती। तो ये ध्यान रहे, जब हम फ्राई करते हैं तो इसको पूरी अच्छी तरह हम धीरे धीरे ब्राउन करते हैं। कम से कम इसको 20 मिनट और 25 मिनट तक लगा सकते हो। जब ये पूरी अच्छी तरह ब्राउन हो जाती है, अंदर से अच्छी तरह जालियां पक जाती हैं, तब हमारे गुड़ वाले तोते बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरह ब्राउन हो गई है। अब इसको एक छाननी में निकाल देते हैं, अच्छी तरह ये पक चुकी है। अभी जो फालतू ऑयल या घी इसमें होता है, इस छाननी में नीचे हमने एक डोंगा रखा है, इसमें निचुड़ जाता है। अब इस तरह हम निकाल के और रख देते हैं, थोड़ी देर इसका घी निचुड़ेगा, तब तक हम बनाते हैं अपनी गुड़ वाली चाशनी। अब घी वाली कढ़ाई हमने हटा दिया और उसी गैस पे हम बनाएंगे चाशनी। हमने दूसरी कढ़ाई ले ली और इस कढ़ाई में हमने 1 कप पानी ऐड किया है। 1 कप मतलब 250 ml हमने पानी ऐड किया है और 250 ग्राम हमने गुड़ ऐड किया है और इसमें हमने 150 ग्राम शुगर ऐड किया है। अब इसकी हम चाशनी बना ले लें। अब आप इसे यहाँ पूछोगे आपने शुगर क्यों ऐड किया। शुगर थोड़ा ऐड करने से ये होता है कि जब हमारे शकरपारे अलग अलग हो जाते हैं, चिपचिपे से नहीं बनते, सिर्फ गुड़ से हमारे शकरपारे चिपचिपे से होते हैं। तो इसकी चाशनी बना के हमने इस तरह तार पे कर लिया है। अब ये हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखिए पूरी तार से बन रही है। इसमें हम थोड़ा सा कलर ऑरेंज वाला ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा से ये थोड़ा झाग बनाता है और पूरी सफाई भी आ जाती है। तो यहाँ हमने 1 पिंच मीठा सोडा ऐड किया है और इस तरह हम चाशनी में मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब ये देखिए थोड़ा सा झाग बन के और ये सफाई सी आ जाती है। ये देखिए अब ये हमारी गुड़ वाली चाशनी कंप्लीट है। अब गरम गरम ही शकरपारे उठा के इस चाशनी में डाल देते हैं, जिससे गरम गरम चाशनी इन शकरपारों के जालियों के बीच में भर जाता है और ये हमारे शकरपारे पूरे टेस्टी बन जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने शकरपारे ऐड कर दिया और इस तरह हिलाते रहेंगे, धीरे धीरे ये गुड़ वाली चाशनी अब्जॉर्ब कर देगी, बीच में भर जाएगी और थोड़ी देर बाद ये जम भी जाएगी, क्योंकि ये तार पे है, तार वाली चाशनी हमारी जम जाती है। अब इसमें हम गुड़ वाले तोसे में फ्लेवर के लिए हम सौंफ डालेंगे। सौंफ से हमारा जो गुड़ वाले तोसे है, इससे फ्लेवर हमारा बहुत बेस्ट आता है। तो इसमें हमने सौंफ डाल दिया। जब हम खाते हैं और सौंफ भी हमारे दांत के नीचे आता है तो ये शकरपारे हमारे बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरह आप बारीक सौंफ इसमें डाल के बनाइए तो आपके शकरपारे पूरे टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह चाशनी जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे जमती जाती है। पहले तो ये चाशनी भर जाती है बीच में, उसके बाद में ये जैसे जैसे ऊपर से ठंडी होती है वैसे वैसे ये पुरपुरी सी जमती जाती है। ये देखिए जब ये पूरी ठंडी हो जाती है तो ये एक एक शकरपारे अलग सी हो जाती है। एक बात हम और बताते हैं, ये हमारे सारे शकरपारे अलग अलग हो गए। अगर हम इसमें शुगर नहीं ऐड करते तो ये पूरे चिपचिपे से रहते, गुड़ से थोड़ा सा चिपचिपाहट रहता है, इसलिए हमने शुगर ऐड किया। शुगर ऐड करने से ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और पूरी सफाई भी रहती है। ये देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से पूरा खस्ता और ये पूरे टेस्टी शकरपारे। हाथों से मैश कर देते हैं तो ये भुरसी हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे गुड़ वाले शकरपारे टेस्टी और खस्ता तैयार है, आसानी से आप बना सकते हो। इसलिए हम आपको छोटी रसोई की चूल्हे पे बना के दिखाते हैं कि आप भी आसानी से घर में बना लो। तो इस तरह हमारे खस्ता टेस्टी शकरपारे गुड़ वाले बन के तैयार हैं। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।